खबर अब हमें प्रकाश हमारे तक लेकर आए हैं। सरकार 11 और एयरपोर्ट्स को प्राइवेट हैंड्स में सौंप सकती है, ये भी एक इम्पोर्टेंट खबर है। डिटेल्स एक बार प्रकाश से समझ लेते हैं। प्रकाश बताएं, समीर है हमारे साथ, समीर से डिटेल्स समझते हैं। जी बिल्कुल, एविएशन सेक्टर में एक और बड़ा डेवलपमेंट की तैयारी हो रही है। यहाँ पे सरकार एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के 11 और एयरपोर्ट को चिन्हित किया है, जिसको बहुत जल्द किराए पे देने के लिए वो कैबिनेट नोट तैयार करके कैबिनेट में लाएगी। कैबिनेट से अप्रूवल के बाद भी वो उसकी बिडिंग प्रक्रिया की शुरुआत होगी। तो जो 11 एयरपोर्ट जिसको प्राइवेट प्लेयर को लीज पे यानी कि किराए पे देने की तैयारी है, इसमें प्रमुख नाम है चेन्नई एयरपोर्ट, कोलकाता एयरपोर्ट, विजयवाड़ा एयरपोर्ट, साथ ही साथ इसमें इंदौर, जबलपुर, रायपुर, अमृतसर एयरपोर्ट भी शामिल है, राजकोट एयरपोर्ट का भी नाम है। तो कुल मिलाकर के 11 एयरपोर्ट है जिनको सरकार चिन्हित कर चुकी है और इसको फिलहाल प्राइवेट पार्टी को बिडिंग प्रक्रिया के तहत उसको किराए पर देने की तैयारी है। सरकार को उम्मीद है कि इन 11 एयरपोर्ट के जरिए उनको सीधा अपफ्रंट पेमेंट जो है वो तकरीबन 7 से 8 हजार करोड़ रुपए का मिलेगा या इससे ज्यादा की भी उम्मीद है, लेकिन सरकार बहुत कंजर्वेटिव होकर चल रही है और उसको लगता है कि प्राइवेट पार्टी के आगे आने से एयरपोर्ट के ऑपरेशन में सुधार तो आएगा ही, लेकिन जो सरकार को इससे राजस्व हासिल होगा वो तकरीबन 7-8 हजार करोड़ रुपए मिनिमम होगा। और जो पूरी बिडिंग प्रक्रिया है वो लगभग वैसी ही रहेगी जैसे पहले 2019 में 6 एयरपोर्ट को सरकार ने लीज पे जिस तरीके से किराए पे दिया था, लगभग वही फॉर्मूला यहां पर भी अपनाया जाएगा। यानी कि 50 साल के लिए प्राइवेट पार्टी को ये एयरपोर्ट किराए पे दिए जाएंगे, जिसके तहत वो एयरपोर्ट के ऑपरेशन, मेंटेनेंस और कंस्ट्रक्शन वगैरह कर सकते हैं। जो बिडिंग जीतने का फॉर्मूला होगा वो भी लगभग वैसे ही होगा, यानी कि पर पैसेंजर जो रेवेन्यू फीस होगी और सबसे ज्यादा कौन उसको बिड करेगा उसको ही बिडिंग में जीतने की यहाँ पे प्रबल दावेदारी मिलेगी। तो ये 11 एयरपोर्ट को सरकार ने चिन्हित कर लिया है। आपको बता दें कि इसके पहले भी सरकार ने 6 एयरपोर्ट को बिडिंग प्रक्रिया के तहत 50 साल के लिए लीज पे दिया था और वो 6 के 6 एयरपोर्ट अडानी ग्रुप ने जीते थे, जिसमें लखनऊ एयरपोर्ट एक बड़ा नाम शामिल था और तब सरकार को उससे 3 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा की राजस्व प्राप्ति हुई थी। तो यहाँ पर इस एक बार फिर 11 एयरपोर्ट के लीज पर देने की तैयारी है। कैबिनेट नोट तैयार किया जा रहा है जिसको जल्दी कैबिनेट में भेजा जाएगा पास होने के लिए, और इससे सरकार को लगता है कि एसेट मोनेटाइजेशन के लिए जो वो तेजी से कदम बढ़ा रही है उसमें बड़ी सफलता भी हासिल हो पाएगी। जी क्रिया, बहुत बहुत प्रकाश ये जानकारी के लिए। और हमने देखा है कि क्वालिटी ऑफ एयरपोर्ट्स इस समय पूरे देश में बहुत अव्वल दर्जे के होते जा रहे हैं। जी हाँ, एज अ कंज्यूमर कभी कभी ये भी लगता है कि एयरपोर्ट में कुछ सरचार्जेस ही बढ़ रहे हैं, लेकिन ये है कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के एयरपोर्ट्स अब आपको देश के डिफरेंट कोने में नजर आएंगे और कुछ भी एयरपोर्ट्स लीज पर दिए जाने का प्लान है, और ये समीर हमारे साथ लेके आए हैं।